जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और कल एक वीडियो जारी किए थे हम, जिसमें ये बताए थे कि स्कूटनी का जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आया है। तो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर मेरा आ गया है, कुछ कह रहे थे कि सर मेरा आ गया है, नंबर नहीं बढ़ा है। कुछ बच्चे का ऐसा था कि कुछ नंबर बढ़ा है, कुछ बच्चे का नंबर नहीं बढ़ा है, ज्यों का त्यों है। तो ये सारी जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं कि रिजल्ट वाकई में आया है या नहीं आया है, या यदि रिजल्ट आया है तो क्या है, क्या कंडीशन है, क्यों किसी का नंबर दिखा रहा है, किसी का नहीं दिखा रहा है। ठीक है, यदि आपके दोस्त का दिखा रहा है, आपका नहीं दिखा रहा है, तो आप परेशान ना हो। ठीक है, टोटल रीजन हम आपको आज बताने वाले हैं बाय प्रूफ, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, वो आपको बिल्कुल प्रूफ दिखाया जाएगा, वो भी बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, कहीं अलग से आपको कुछ नहीं दिया जा रहा है, टोटल उसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको हम बताएंगे। ठीक है, और आप लोग जो कुछ कुछ कमेंट में लिखते हैं ना, थोड़ा सा अपने दिमाग पर कंट्रोल रखिएगा। ठीक है, हाँ, कोई भी चीज इधर उधर की चीजें हम आपको नहीं बताते हैं, जो भी चीजें ऑथेंटिक होता है उसी को हम आपके सामने लेकर आते हैं। क्यों ऐसा हम बोले थे और क्यों अभी ये आपको बता रहे हैं कि किसी का रिजल्ट आया है, किसी का रिजल्ट नहीं आया है, तो पहले इन चीजों को आप समझ लीजिए। देखिए, एक्चुअली में क्या है कि कुछ बच्चे का कॉपी का जांच वगैरह या सुधार वगैरह जो होना था, जिन्होंने स्क्रूटनी के लिए भेजा था, चैलेंज के लिए भेजा था, तो जिनका सुधार हो गया है, जिनका नंबर जोड़ दिया गया है, वो तो सारी चीज़ ऑनलाइन है, तो उनका नंबर चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो उन लोगों का कॉपी का मार्क्स दिखा रहा होगा कि आपका इतना बढ़ गया या इतना, या ये सारी चीज़ें उनका दिख रहा होगा। और यदि जिसका नहीं दिख रहा है, जिसका नहीं दिख रहा है अभी, उनके कॉपी का अभी जो है मार्किंग नहीं हुआ है, या उनकी कॉपी को चेक नहीं किया गया, उनकी कॉपी का स्क्रूटनी नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है, इसलिए उनका नंबर नहीं दिखा रहे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ऑफिशियली रूप से यदि कहा जाए तो बिहार बोर्ड ने अभी आपका रिजल्ट जारी नहीं किया है, तो आपको थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली रूप से अभी आपका जो है ये रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो अब आप कहेंगे कि सर किसी किसी का रिजल्ट दिखा क्यों रहा है। देखिए, वो तो लोड है वहां, ठीक है, फाइनली रूप से लोड कर दिया गया है, लेकिन आपको पता नहीं है। आप अपने रिजल्ट को, जो पीछे वाला जो रिजल्ट जारी किया गया है, उसी पर जाकर चेक करते हैं। ठीक है, तो वहां तो लोड है, तो आपको दिखाएगा ही दिखाएगा, और जिनका नहीं लोड है, जिनकी कॉपी का स्क्रूटनी नहीं किया गया है, उनकी कॉपी का मार्क्स कैसे दिखाएगा। तो फाइनली रूप से अभी इसका काम जो है कुछ और बच गया है, बहुत जल्द ही इसका रिजल्ट आने वाला है। कब तक रिजल्ट आ जाएगा ये जानकारी हम आपको दे दें, वो भी इधर उधर से नहीं, बिल्कुल इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, और बिल्कुल आपके सामने में हम खोलेंगे और सब कुछ आपके सामने में होगा। ठीक है, तब जाकर आपको ज्यादा यकीन होगा। आइए, स्क्रीन पर देखिएगा, यहां पर सीधे सीधे हम चलते हैं, बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको लेके चलते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लेके चल रहे हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखेंगे, अपना गूगल क्रोम खोलेंगे। ठीक है, ये आपका गूगल क्रोम खुल गया। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां जाना है और आपको जाना है, यहां लिखना है बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड। देखिए, यहां पर सबसे ऊपर में सर्च किए हुए थे हम बिहार बोर्ड क्लास 12th स्क्रूटनी रिजल्ट 2021। ठीक है, देख लीजिए, यहां पर आ गया है, सबसे ऊपर में ही आपको दिख रहा है बिहार बोर्ड क्लास 12th स्क्रूटनी रिजल्ट 2021 डाटा डेट बीएससी इंटरमीडिएट चैलेंज। यहां पर आपको इसको खोलना है। देखिए, जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा नीचे, यहां पर बहुत सारी चीजें आपको दी गई है। सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको यहां दिख रहा है, देखिए ऊपर में ही लिखा हुआ है लेटेस्ट अपडेट। ताजा जानकारी के अनुसार बिहार बोर्ड कक्षा 12 स्क्रूटनी और चैलेंज का रिजल्ट मई के पहले सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया था वह अपना रिजल्ट नीचे दिए गए लिंक पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका पूरा का पूरा जो प्रोसेस कहा जाए वो अभी तक नहीं हुआ है, जिसका कॉपी स्क्रूटनी हो गया है उनका रिजल्ट दिख रहा है, और जिनका नहीं हुआ है उनका भी नहीं दिख रहा है। तो यहां से आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि मेरा नहीं हुआ क्या हुआ। और वो नीचे आपको जो दिख रहा होगा, देखिए सबसे नीचे यहां दिख रहा है बिहार बोर्ड क्लास 12th स्क्रूटनी रिजल्ट 2021, यहां से चेक कर सकते हैं, या फिर आपका जो सरकारी एग्जाम और सरकारी रिजल्ट वाला जो एक एप्लीकेशन आपको बताए थे, जिस पर आप लोगों ने रिजल्ट चेक किया था अपना, वहां पर जाकर भी आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, आपको थोड़े से भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा कॉपी का नंबर नहीं बढ़ा है या कुछ भी ऐसा।
ठीक है, तो आपको वक्त लगेगा, बता दिए हैं कि मई के प्रथम सप्ताह तक जो है आने की पूरी संभावना है, हो सकता है कि 2 से 3 या 4 तारीख तक आप लोग का रिजल्ट आ जाए, जिनका नहीं हुआ है सबों का, जिनका आ गया है ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को, तो ये जानकारी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ठीक है। और आपको अब क्या करना है, क्या करना है कि थोड़ा सा वेट कर लेना है, इंतजार आप लोग को करके और इसका रिजल्ट चेक कर लेना है ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।